निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी विनय कुमार खंडेलवाल ने कराया नामांकन। बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार विनय कुमार खंडेलवाल ने अपना नामांकन कराया है। इस मौके पर विनय कुमार खंडेलवाल ने कहा कि उनका मकसद है कि शिक्षकों की समस्याओं का निदान हो, अगर वह जीतते हैं तो सरकार के सामने शिक्षकों की समस्याओं को रखेंगे, वेतन दिलाएंगे। आपको बता दें कि सपा से संजय कुमार मिश्र और भाजपा से हरी सिंह ढिल्लों नामांकन करा चुके हैं। आज हम लोग बरेली मुरादाबाद शिक्षक खंड चुनाव के संबंध में अपना नामांकन कराने आए हैं। मैं और मेरे साथी यहाँ आए हैं आज, और दोस्तों ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, और क्योंकि मैं शुरुआत से कह रहा हूँ ये चुनाव शिक्षा का चुनाव है, ये शिक्षकों का चुनाव है, और आज ज़रूरत है हम समाज को, सोसाइटी को, हम शिक्षकों को एक ऐसे रिप्रेजेंटेशन की जो कि उनकी बात को सदन तक ले जाए। और इसी कारण से मैं अपनी टीम के साथ आगे बढ़ के आया हूँ, और शिक्षक एमएलसी चुनाव में मैं प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराने आया हूँ। और मुझे मेरे साथियों का समस्त 9 जिलों में, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहाँपुर, संभल, अमरोहा और बिजनौर, सभी 9 जिलों में मेरा बहुत ही अच्छा टीम वर्क रहा है मेरी टीम का, और सभी लोगों से, शिक्षक साथियों से मुझे आशीर्वाद मिला है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस चुनाव में नामांकन कराने के बाद विजयी होकर सदन में पहुंचूंगा और अपने शिक्षकों की आवाज़ कर्मठ ध्वनि से आगे बढ़ाऊंगा। किस पार्टी से कराया है? क्या प्राथमिकता है आपकी? मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, और मेरी प्राथमिकता है खास तौर से मेरे वित्तविहीन शिक्षक साथी हैं जो कि वित्तविहीन विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं, उनको सरकार द्वारा मानदेय दिलाने की मेरी भरपूर ये सरकार से मांग रहेगी, और जो पुरानी पेंशन नीति है उसको बहाल कराने के लिए मैं अपने शिक्षक साथियों के लिए वचनबद्ध हूँ। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।